तो हेलो दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने शर्मा जी इंटीरियर डॉट कॉम पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही धासु चीज़ लेके आऊँ, जिसके लिए आप मुझे बहुत सारा व्यूज़ और बहुत सारे लाइक देने के लिए तैयार होंगे। जो लोग बिगनर हैं और कारपेंटर का काम सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक ऐप लेके आऊँ, जिसके थ्रू आप लकड़ी का स्क्वायर फिट घन फिट जो भी होता है वो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको तरह तरीके का और वो सब करने की ज़रूरत नहीं, आपको खाली लकड़ी का नाप डालना है। उसके बाद आपको जो भी आपका घन फिट रहेगा वो बन के तैयार हो जाएगा। ये अधिकतर जो लोग अभी बिगनर होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होता है, जिन लोग अभी सीख रहे थे, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कौन सा ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप कोई भी लकड़ी का घन फिट बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ना कोई घुड़ा भाग, ना कुछ, बस खाली उसका जो भी माप है वो उसके अंदर डालना है। तो सबसे पहले अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो आपको मुझे 150 रुपये पेटीएम करने पड़ेंगे। उसके बाद ही मैं वीडियो को शुरू करूँगा, क्योंकि वैसे भी आपने व्यूज़ तो दे नहीं रहे, कम से कम यहीं से खर्चा पानी निकल जाए, माफ़ करिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो दूसरे तक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और वो ऐप दिखाते हैं किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे ओपन करना होगा अपना प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है कैलकुलेटर फॉर वुड्स, के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। ये सर्च करने के बाद आप देख रहे हैं ये जो है कैलकुलेटर फॉर वुड्स, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मेरे पास पहले से डाउनलोड है, अब इसको आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे देखिए चार चीज़ हैं। देखिए अब मैं आपको बता दूँ, लकड़ी और प्लाईवुड और पल्ला सबका अलग अलग जो होता है स्क्वायर फिट या फिर घन फिट निकलता है। देखिए ये जो है कट साइज, कट साइज मतलब जो भी आपकी लकड़ी कट साइज है उसके लिए सेकेंड नंबर पर आता है, कि जो आपका राउंड राउंड लकड़ी के लिए, कि राउंड जो लकड़ी होती है उसके लिए। और थर्ड नंबर पे आता है प्लस डोर, मतलब डोर का भी होता है पर इसका स्क्वायर फिट होता है। और लास्ट में आता है अपना प्लाईवुड या बोर्ड। तो इन तीन चारों चीज़ों का आप घन फिट या स्क्वायर फिट दोनों ही निकाल सकते हैं। बाकी लास्ट में इतना कुछ खास नहीं है, बस आपको इतना ही रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चले जाता हूँ और यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिख के आता है व्यर्थ, मतलब और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी आ रहा है इंच 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 और फिट, मतलब ये रहना चाहिए, एक वो रहता है कि इतना ही रहना चाहिए, इंच इंच और फिट में आपको लिखना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है व्रथ थिकनेस और लेंथ, मतलब व्रथ मतलब चौड़ाई और थिकनेस मतलब मोटाई और लेंथ मतलब लंबाई। और यहाँ पे जो ऊपर बॉक्स में टिक आ रहा है, इसमें टिक आने का ये मतलब, जैसे आपकी लकड़ी 3 डेढ़ में होती है तो आप यहाँ पे 3 लिख के जब यहाँ पे टिक कर देंगे तो वो एकदम सेलेक्ट हो जाएगा उसी के लिए, मतलब हमेशा 3 ही 3 पे होगा। जैसे मुझे ये नहीं करना है तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ और दूसरी जगह पर लिखता हूँ, यहाँ पर 1.6 या 1.5 आप लिख सकते हैं। मैं 3 डेढ़ की एक लकड़ी ले रहा हूँ जिसका मैं घन फिट निकालूंगा। और यहाँ पर आपको लेंथ लिखना, जो भी आप लेंथ लिख सकते हैं, 5 फिट 6 फिट इसका जो लेंथ है वो लिख सकते हैं, जो भी आपकी लंबाई और लकड़ी की वो लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसे बड़े स्केल पे भी छोटे स्केल पे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी भी लिखनी पड़ेगी कि कितनी लकड़ी है, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी लिखनी है, यहाँ पे QTY लिखा है तो क्वांटिटी भी मैं 5 लिख देता हूँ। 5 लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऐड, यहाँ पे ऐड पे ADD पे जो है वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यह यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो भी आपका कैलकुलेशन है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊपर लिख के आ रहा है 3 × 1.6 मतलब जो मोटान होती वो, और यहाँ पे लेंथ जो कि 7 फिट है, और यहाँ पे क्वांटिटी 5, और यहाँ पे देखिए लास्ट में निकल आता है कुल स्क्वायर फिट 1.6, मतलब 1 घन फिट लगभग ये लकड़ी बनी है। इस तरीके से आप कोई भी लकड़ी का घनफिट इस ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका चौकोर का, वैसे आपका राउंड का भी सेम टू सेम वैसे ही करना है, कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लेंथ लिखनी है, यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है, क्वान्टिटी डाल देना है, बस आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ जो भी आपका लकड़ी का घन फिट है वो निकलता है, बहुत ही आसान तरीके से आप इस ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं। बाकी प्लाईवुड और इनका तो आप बहुत ही आसानी से, तो बस दोस्तों यही तरीका था कि आप किस तरीके से लकड़ी का घन फिट मोबाइल के थ्रू निकाल सकते हैं। ये बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा वो है कि आप किसी भी लकड़ी का जो भी है वो मोबाइल के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये चीज़ नहीं पता है। पर मैं ये बता दूँ, ये खाली आप ही तक रखिएगा, जो आरा मशीन है उनके पास ना ले जाएगा या फिर कारपेंटर के पास ना लेके चले जाएगा, वरना फिर वो पता हमको गोली मार दे।
ऐसा हो सकता है पर ऐसा मुमकिन नहीं है, पर इसलिए आप अपने तक ही इस जानकारी को रखें, दूसरे तक अगर शेयर करना है तो उन लोगों तक शेयर करें जिनके पास इसकी नॉलेज नहीं है, पर जिसको पता है उसको शेयर ना करें। वैसे बताता एकदम सही है, चाहे आप नॉर्मल कर लीजिए और चाहे वैसे कर लीजिए, बताता एकदम सही है, पर यह है कि इसको खाली आप तक रखना है और जिसको ज़रूरत है उनको देना है ज़्यादा।